बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 15। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या गिवेन है, सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर ए गिवेन है, ठीक है, वेक्टर बी गिवेन है एंड वेक्टर सी। बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ये हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये क्या हमारे पास 3 नॉन जीरो वेक्टर है। कहने का मतलब है वेक्टर ए भी नॉन जीरो है, वेक्टर बी भी नॉन जीरो है एंड वेक्टर सी भी नॉन जीरो है। सच डैट एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी में से कोई भी दो वेक्टर उठा लो, ए वेक्टर बी वेक्टर उठा लो, ए या सी उठा लो, बी वेक्टर सी वेक्टर उठा लो, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर। ए प्लस टू बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर के साथ कोलिनियर है। एंड फिर क्या बोल रहा है, बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर। बी प्लस थ्री सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के साथ कोलिनियर है। तो बोल रहा है कि ये प्रूफ कर दो, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर इज अनल वेक्टर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर जो बी है हमारा एंड वेक्टर सी जो है, ये क्या है, तीनों क्या हमारे पास नॉन जीरो, नॉन जीरो वेक्टर्स है। एंड एनी टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। ए बी सी में से कोई भी अगर दो वेक्टर उठा लोगे ना, वो नॉन कोलिनियर है, ये गिवन है, नॉन कोलिनियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ए प्लस टू बी वेक्टर है वो कोलिनियर है सी वेक्टर के साथ। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर ये क्या है, इस कोलिनियर विद सी वेक्टर, ये कोलिनियर है विथ सी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर सी वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू सी वेक्टर हो जाएगा फॉर सम स्केलर लैम्डा। कोलिनियर का यही होता है ना, फॉर सम स्केलर लैम्डा, ठीक है। और फिर अगेन क्या गिवन है कि बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर, ये भी क्या है, इस कोलिनियर है ये विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ कोलिनियर है। तो फिर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोलिनियर है, तो इसे हमने मान लिया म्यू, ए वेक्टर फॉर सम स्केलर म्यू, स्केलर म्यू, ठीक है। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। कैसे प्रूफ करेंगे, यहां से इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसे हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। हमने क्या किया कि फ्रॉम वन से हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर क्या गिवन है, लैम्डा सी वेक्टर के। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा सी वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है ना, उसको हमने सेकंड इक्वेशन यहाँ पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा, बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू, और ए वेक्टर की जगह क्या डाला, लैम्डा सी वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, ऐसे डाल दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू म्यू सी वेक्टर माइनस टू म्यू बी वेक्टर। अब यहाँ पे फिर इन दोनों वेक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, तो बी वेक्टर इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस टू म्यू इंटू बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, थ्री सी वेक्टर माइनस लैम्डा म्यू और ये सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा, नल वेक्टर। अब यहाँ से बी वेक्टर कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू म्यू और ये हो गया बी वेक्टर प्लस थ्री माइनस लैम्डा म्यू और ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। अब ये बताओ क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, सच डैट एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर।
अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में से कोई भी हम दो वेक्टर उठाएं, वो हमारा क्या नॉन कोलिनियर है। क्या है? नॉन कोलिनियर है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हमारा नॉन कोलिनियर है। बट ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बी वेक्टर और सी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। बी वेक्टर और सी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या एक नल वेक्टर है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एक नल वेक्टर मिल जाए, तो बी वेक्टर के साथ जो स्केलर लिखा है और जो सी वेक्टर के साथ जो स्केलर लिखा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1 + 2 μ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड फिर क्या हो जाएगा? 3 - λ μ क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से म्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया? -1/2। एंड यहाँ से 3 - λ, म्यू की जगह क्या डालेंगे? -1/2 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताओ? 3 + λ/2 = 0। तो λ/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई? -6। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना? और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -6 मिल गई और म्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -1/2। बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, हमें जो प्रूफ करना है तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस फर्स्ट इक्वेशन यहाँ डाला, ए बी सी में रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ डाल दो। तो लैम्डा म्यू, लैम्डा का वैल्यू क्या मिला? -6। एंड म्यू का यहाँ डाल दो इसमें ना, फर्स्ट में डाल दो, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डाल दो और यहाँ पे म्यू का वैल्यू डाल दो। कहने का मतलब है यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू डालो, यहाँ पे म्यू का वैल्यू डालो, तो क्या मिलेगा हमें? a + 2b वेक्टर। क्या किया मैंने? a + 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास? λ × c वेक्टर, λ × c वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? a + 2b वेक्टर और इज इक्वल्स टू लैम्डा क्या निकाला हमने? -6 c वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो गया? a + 2b वेक्टर + 6 c वेक्टर इज अ नल वेक्टर। यही प्रूफ करना था ना हमें, बस हो गया, हैंस प्रूफ। तो म्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हाँ, म्यू की जरूरत पड़ी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसी में डाल दिया ना लैम्डा का वैल्यू, तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हमारा क्या है? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। वेक्टर से कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है? अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई तीन पॉइंट्स है और वो तीनों पॉइंट्स हमारा कोलिनियर है। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इन तीन पॉइंट से तुम क्या कर सकते हो? वेक्टर बना सकते हो। एक वेक्टर हमने बना दिया, ए बी वेक्टर बना दिया, ए बी वेक्टर बना दिया एक, एक हमने बी सी वेक्टर बना दिया और एक पूरा हमने ए सी वेक्टर बना दिया। तो तीन वेक्टर बन गए। एक तो वेक्टर बन गया ए बी, दूसरा क्या बन गया हमारा? बी सी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर क्या बन गया? ए सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर्स बन गए। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये जो तीनों वेक्टर्स होंगे ना, ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर होंगे। ए बी बी सी, या तो तुम ए सी के जगह सी ए वेक्टर बना दो, या बी ए वेक्टर बना दो, सी बी वेक्टर बना दो। ये जो तीन वेक्टर्स होंगे ना, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे? आर कोलिनियर वेक्टर। ये तीनों कोलिनियर होंगे। कब कोलिनियर होंगे? जब ये तीनों पॉइंट्स, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों अगर कोलिनियर हैं तो ये फिर तीनों वेक्टर्स भी कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अब हम लोग चेक कैसे करते हैं? एक तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर बोला है ना कि तीन पॉइंट्स को चेक करो कि वेदर थ्री पॉइंट्स, कोई गिवन तीन पॉइंट दे दे और बोले कि चेक करो, तो उन तीन पॉइंट से तीन वेक्टर बना दो, उसके बाद चेक कर लो कि ये तीनों पॉइंट्स को लिए तीनों वेक्टर्स को लीनियर है या नहीं है, तो वहाँ से भी चेक हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम देखते हैं। बच्चों, हमारे पास थ्योरम में क्या बोल रहा है कि इफ थ्री पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर ए, एक हमारे पास पॉइंट ए है
कैपिटल ए जिसका पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल ए वेक्टर है, दूसरा पॉइंट कैपिटल बी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और तीसरा पॉइंट कैपिटल सी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, एक स्केलर एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक स्केलर वाई एग्जिस्ट करेगा, एक स्केलर जेड एग्जिस्ट करेगा, और ये तीनों स्केलर्स साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है, तीनों स्केलर्स क्या साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, सच डैट अगर इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एक नल वेक्टर के साथ आ जाए, प्लस ये भी कंडीशन हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट्स है ए बी सी जिसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हमारा पोजिशन वेक्टर दे रखा है, जो पॉइंट्स है ना ए बी सी, वो हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा। एक बार फिर से हमारे पास क्या है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, हमारे पास एक पॉइंट्स दे रखा है, एक पॉइंट ए है कैपिटल ए जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए, दूसरा हमारे पास पॉइंट है बी जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी, एंड तीसरा पॉइंट हमारे पास सी जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल सी, ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो पोजिशन वेक्टर हैं, तीन स्केलर भी एग्जिस्ट कर रहा है एक्स वाई जेड, एक तो स्केलर एक्स, दूसरा स्केलर वाई एंड तीसरा स्केलर जेड, और ये क्या है नॉट ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों ज़ीरो के इकट्ठे नहीं हो सकता, इकट्ठे तीनों ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉट ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली, और फिर क्या गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम भी ज़ीरो है, और अगर इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक नल वेक्टर हो गया, मतलब एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर एक नल वेक्टर हो गया, और कंडीशन क्या होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट सी है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर बोलने का मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अब इसका चलो प्रूफ भी देख लेते हैं, मान लो कि हमने ये ऐसे करके पॉइंट बना लिया, पॉइंट ए बोल दिया जिसके पोजिशन वैक्टर को हमने स्मॉल ए वैक्टर बोल दिया, एक पॉइंट बी ले लिया जिसके पोजिशन वैक्टर को हमने स्मॉल बी वैक्टर ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया जिसके पोजिशन वैक्टर को हमने स्मॉल सी ले लिया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बोलने का मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, तो ये जो हमारा वेक्टर बनेगा ये, और ये जो वेक्टर बन रहा है पोजीशन वेक्टर, तो समझ में आ रहा होगा, ये हमारा बच्चे ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी कोलिनियर है, तो फिर क्या होगा, ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो बी सी वेक्टर है ये भी कोलिनियर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये अगर कोलिनियर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, कोलिनियर देन ए बी वेक्टर जो है इज कोलिनियर विथ, क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के साथ कोलिनियर हो जाएगा, तो अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है तो इन दोनों के बीच में एक लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू बी सी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। अब ए बी वेक्टर को कैसे लिखोगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा, बी सी वैक्टर को कैसे लिखोगे, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन ऑफ वैक्टर ऑफ बी, ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ से क्या हो गया बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी वैक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, राइट हैंड साइड के दोनों वैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, या लेफ्ट हैंड साइड के दोनों वैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए वैक्टर माइनस लैम्डा बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस लैम्डा सी वैक्टर, ये क्या हो जाएगा एक नल वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से हमने ए वेक्टर ले लिया और यहाँ से हमने प्लस लिया माइनस लैम्डा माइनस वन, बी वेक्टर हो गया प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर हो गया इज इक्वल्स टू नल वेक्टर हो गया। अब बच्चे एक्स का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है वन, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है वाई का,
और ये किसका काम कर रहा है, जेड का। तो यहाँ ये एक्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किस फॉर्मेट का हो गया, एक्स इंटू ए वैक्टर प्लस वाई इंटू बी वैक्टर प्लस जेड इंटू सी वैक्टर इज इक्वल्स टू नल वैक्टर। और हमने एक्स किसे बोला, वन को, वाई किसे बोला, माइनस लैमडा माइनस वन को, और जेड किसे बोला हमने, लैमडा को। तो इन तीनों को ऐड करो, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालो तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा वन माइनस लैमडा माइनस वन प्लस लैमडा, नहीं हो गया ज़ीरो। तो यही बोला जा रहा है, ठीक है। एक और मेथड है जिससे तुम प्रूफ कर सकते हो, कन्वर्सली बता देता हूँ। हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल ए वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल बी वेक्टर है, और पॉइंट सी का ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर। हमने अज्यूम कर लिया, एक तो ये अज्यूम कर लिया, फिर हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर ये क्या हमारा एक नल वेक्टर है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ए ज़ीरो के, ठीक है। एंड ये भी अज्यूम कर लिया, एक्स वाई एंड जेड आर नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली, आर नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली, ये सब हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट सी है, ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट्स हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये सब हमने अज्यूम कर लिया कि ये सब ट्रू है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, अज्यूम किया हमने कि एक्स ए वेक्टर, हमने पहले लिख लिया कि लेट x जो है हमारा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट x इज़ नॉट इक्वल्स टू x नहीं, मान लेते हैं कि लेट c इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, c नहीं, z इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हमने मान लिया। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि x, y और z तीनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमने अज्यूम कर लिया कि z ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो क्या बोल रहा है, एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एक नल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जेड सी वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब क्या करें, यहाँ पे हमारे पास ये भी गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। तो पुट कर देते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर ये काम करते हैं, z से डिवाइड कर देते हैं, माइनस z से ऐसे डिवाइड कर दिया, z ज़ीरो नहीं है तो डिवाइड कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर और माइनस z की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c वेक्टर। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, इस रिलेशन से क्या पता चला कि जो पॉइंट c है, पॉइंट सी डिवाइड्स किसे डिवाइड्स कर रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो वाई इज टू एक्स। जो हमारा पॉइंट सी है वो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, वाई इज टू एक्स में, ऐसे देख लो ना, यही चीज़ बन रहा है ना हमारे पास। ये हमारा पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, ये पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, ये पॉइंट सी, यहाँ पे क्या है, ये वाई है, ये एक्स है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, सॉरी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, ऐसे ही करोगे ना, वाई को बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक्स को ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए वाई इंटू बी वेक्टर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर पॉइंट सी ए बी को वाई टू एक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिर पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यही मतलब है, और तो कुछ है नहीं। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ए बी एंड सी
आर कोलिनियर। पॉइंट्स जो है ना ए बी और सी क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, यही मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि शोड एट द पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर। हमारे पास एक पॉइंट है ए मान लेते हैं, इसका पोजिशन वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर माइनस टू बी प्लस थ्री सी वेक्टर। एक पॉइंट बी है जिसका ये पोजिशन वेक्टर दे रखा है, एक पॉइंट सी है इसका ये पोजिशन वेक्टर दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स के हमारे पास कोलिनियर है। कैसे प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कि पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर क्या है, ए माइनस टू बी वेक्टर प्लस थ्री सी वेक्टर। मान लिया कि जो पॉइंट बी है उसका पोजिशन वेक्टर क्या है, माइनस टू ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। एंड जो पॉइंट सी है, कैपिटल सी पॉइंट ले लिया, इसके पोजिशन वेक्टर को हमने मान लिया फोर ए वेक्टर माइनस सेवन बी वेक्टर प्लस सेवन सी वेक्टर, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, सेवन सी वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, हमें अप्रूव करना है कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, यह है ना थ्री बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर, ये थ्री सी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टू ए प्लस माइनस टू ए माइनस सी माइनस थ्री ए वेक्टर हो गया, ये थ्री बी वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइव बी वेक्टर माइनस सी माइनस थ्री सी माइनस फोर सी वैक्टर। ये हमें क्या मिला, ये हमें ए बी वैक्टर मिला। अब अगर हम बी सी वैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो सी का पोजिशन वैक्टर क्या है, फोर ए वैक्टर माइनस सेवन बी वैक्टर प्लस सेवन सी वैक्टर। माइनस बी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर क्या है, माइनस टू ए वैक्टर प्लस थ्री बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 6a वेक्टर माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा, 7c प्लस c प्लस 8c वेक्टर। तो ये तो हमें बच्चे आ गया bc वेक्टर, और ये क्या आ गया, ab वेक्टर। ठीक है ना, ये एक तो हमें ये मिल गया ab वेक्टर और bc वेक्टर। अब तुम ध्यान दो, अगर मैंने इस बी सी वैक्टर से क्या कॉमन ले लिया, माइनस टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस थ्री ए वैक्टर प्लस फाइव बी वैक्टर और माइनस फोर सी वैक्टर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ए बी वैक्टर। और ये किसका काम कर रहा है, माइनस टू, ये कर रहा है काम लैम्डा का। तो हमें क्या मिल रहा है, बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए बी वैक्टर टाइप का आ गया। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर आर कोलिनियर वैक्टर, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वैक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर वैक्टर्स हो जाएंगे। बट इसके साथ क्या है कि जो पॉइंट बी है ना वो कॉमन है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये हमारा ऐसे वैक्टर बन जाता, ये पी वैक्टर होता और यहाँ पर ये पी क्यू वैक्टर होता और ये हमारा आर एस वैक्टर होता, ये भी कोलिनियर वेक्टर है, ये भी कोलिनियर वेक्टर है। बट यहाँ पे पी क्यू आर एस कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर बोल दूँ और दोनों कोलिनियर वेक्टर का जो टिप वाला पॉइंट्स होगा वो कोलिनियर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख लो पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बट इसमें स्पेशल क्या है, ये तो कोलिनियर है बट स्पेशल क्या है कि जो पॉइंट बी है ना वो इस वेक्टर पे भी कॉमन है, इस वेक्टर पे भी कॉमन है। पॉइंट बी जो है दोनों वेक्टर पे कॉमन है, तो पॉइंट बी जो है दोनों वेक्टर पे कॉमन है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा ऐसे लिखेंगे, बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ये जो पॉइंट बी है दोनों पे कॉमन है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो क्या हो गया, ये जो तीनों पॉइंट्स हो गए ना, ये क्या हो गए, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है ना,
बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि शोड एट द पॉइंट्स, हमारे पास एक पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट ये चार पॉइंट्स दे रखे हैं, सच डैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। हमें क्या करना है कि हमें यह प्रूफ करना है कि देखो मान लो कि हमारे पास ये ए बी, ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, -7 और 10। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 16, -19, -4। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे एक तो पॉइंट ए बी दे रखा है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है। तो हमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए बी लाइन और जो सी डी लाइन है वो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया। ये भी तो हो सकता था कि हमारा ए बी है, ये ए बी है और दूसरा लाइन हमारा ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये सी डी हो जाए। ठीक है, तो ए बी और सी डी या फिर पैरेलल हो जाए, हमने इसको ऐसे करके पैरेलल कर दिया, यहाँ पे पैरेलल कर दिया, तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों ए बी और सी डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया कि बहुत सिंपल सा है हमारा, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगा कि हमें क्या दिखा देना है कि पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट बी ये कोलिनियर पॉइंट है, ये हमें दिखा देना है। फिर हमें क्या दिखाना है कि पॉइंट सी, पॉइंट पी और पॉइंट डी ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अगर हमने ऐसा दिखा दिया, मतलब कि ए पी बी जो है हमारा पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -1 एंड 2, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि पॉइंट ए पी बी कोलिनियर है, पॉइंट सी पी डी कोलिनियर है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा पी इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी। पी क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा ए बी और सी डी के बीच में। इसका मतलब पी क्या करेगा, पी जो है हमारा इंटरसेक्ट करेगा लाइन ए बी एंड सी डी को। तो ए पी बी को कोलिनियर कैसे दिखाओगे, ए पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट बी को कोलिनियर कैसे दिखाओगे, तुम पहले क्या करो ए पी पोजिशन वैक्टर निकालो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या करेंगे, अच्छा यहाँ तो कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऐसे लिखेंगे ना 1, -6 आई कैप, फिर प्लस क्या लिखेंगे -1, -7, -7 जे कैप, फिर क्या लिखेंगे +2, -10 और यहाँ क्या हो जाएगा ये के कैप, यही होगा ना ए बी वैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 1, -6, -5 y कैप, क्या हो जाएगा 7, -1, +6 j कैप, 2, -10, -8 k कैप। ये तो बच्चे आ गया हमारा ए पी, ए पी वैक्टर। फिर निकालते पी बी वैक्टर, तो पी बी वैक्टर क्या होगा 16, -1 i कैप, फिर प्लस क्या लिखेंगे -19, -1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा, j कैप हो जाएगा, फिर प्लस क्या लिखेंगे -4, -2 k कैप। तो पी बी क्या हो जाएगा 15 i कैप, -19, +1, -18 j कैप एंड -6 k कैप, ये तो हो गया पी बी वैक्टर। अब ध्यान दो, अगर मैंने इस पी बी वैक्टर में से -5 या -3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, -5 y कैप, +6 j कैप और ये क्या हो जाएगा +2 k कैप, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 -10 है ना, पी बी ए पी ए पी 2 -10, एक बार देख लेते हैं, 6 -7 -10, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई है पता चल गई, ये 10 नहीं है, ये 0 है, ये 10 नहीं है, ये 0 है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये 0, तो ये 0 आएगा, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा 2 -0, यहाँ पे 2 -0, तो 2 -0 तो ये क्या हो जाएगा +2 k वेक्टर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आ गया +2 k वेक्टर। तो पी बी वैक्टर क्या हो गया हमारा,
पी वी वैक्टर माइनस थ्री इंटू ए पी वैक्टर हो गया, तो पी तो कॉमन पॉइंट है ना दोनों में, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट पॉइंट्स ए पी एंड बी आर कोलिनियर। ये क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। इसको हमने फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिया। अगेन हमने सी पी वैक्टर निकाला, हमने क्या किया सी पी वैक्टर निकाला, सी पी वैक्टर सेम लाइन पे तुम निकाल लेना, सी पी वैक्टर तुम्हें क्या मिलेगा ऐसे करके लैमडा इंटू पी डी वैक्टर निकाल लेना। यहाँ पे ये जो सी पी वैक्टर है ना, सी पी वैक्टर और ये जो पी डी वैक्टर है, इसके बीच में ऐसा रिलेशन आ जाएगा लैमडा का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हमने स्टेटमेंट टू मान लिया, अभी स्टेटमेंट टू नहीं माना, इसको हमने बोला। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, पॉइंट्स सी पी एंड डी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो गए, इसको हमने स्टेटमेंट टू माना। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, बस हो गया। वन और टू से क्या होगा, पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन वन एंड टू, इंटरसेक्ट या फिर हम ऐसे लिखे ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आज का, ये आज का नहीं, ये एक वीडियो लेक्चर हो गया। इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कोप्लैनरिटी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हम लोग करेंगे कोप्लैनरिटी, कैसे पहचानेंगे, क्या थ्योरम है कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर कोप्लैनर हो तो उसके लिए क्या थ्योरम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।